Thank you.
ऐसी हस्तियां कदी कदी इस दुनिया दे विच आंदियां हैं, लखां रूहां नूं उस वाहिगुरु उस परमात्मा दे नाल जोड़ के फिर अगला मुकाम तय कर दिया हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज पिछली सदी दे महान संत अक्सर फरमाते सी कि गुरु नानक साहब किसी एक जाति, किसी एक देश, किसी एक मुल्क, किसी एक भाषा, किसी एक मजहब धर्म दे नाल बिलोंग नहीं करते सी, बल्कि पूर्व मानव जाति जिहड़ी सी उन्हां दी अपनी सी और पूरी मानव जाति उन्हां नाल बिलोंग करती सी और वह पूरी मानव जाति वसते सी। ऐसी हस्तियां मानव कल्याण के वास्ते जिहड़ियां रूहां दुनिया दे विच विछड़ियां हुईयां, जिन्हां दे अंदर तड़प है उस वाहिगुरु नूं मिलण दी, उन्हां नूं ढूंढ ढूंढ के उस वाहिगुरु नाल मिलाउण वास्ते आउंदियां। इह शब्द असीं हुणे सुणिया, जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैडीट। गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह पावन शब्द है।
कि वह कैसा सतगुरु है जिन्हों मैं अपने अंदर देखा है। कहते जो कोई सानू ज्ञान देता है उस रूहानियत वाल परमार्थ वाल उस वाहेगुरु का रस्ता दसता है, वो एक गुरु का रूप आता है। जदों सानू उस रूहानियत के रस्ते के उत्ते अंदर दे मंडलों के जो पार ब्रह्म तो अगे सचखंड लैके जाता है गुरुदेव का रूप हो जाता है, फिर वही अगे जो साड़ी आत्मा का साड़ी रूह का संभाल करता है वह सतगुरु हो जाता है। ऐसे सतगुरु की गल इतने गुरु साहिबान फरमाते हैं, जैसा सतगुरु सुनी दा जिहड़े धर्म ग्रंथा दे विच जिन्हां दा बयान है तैसो ही मैडीट, मैं अंदर जाके उन्हों वेख्या है। गुरु नानक साहब किते गए नहीं, साडे विच हैं, हर वेले हर क्षण साडे विच हैगे, असीं उन्हां दे दर्शन हर वेले कर सकते हैं। लेकिन वो कैसी युक्ति है, वो केड़ा योग है, नानक जींदे जविंदे मरिए ऐसा योग कमाई, वो केड़ा ऐसा योग गुरु नानक साहब ने दसिया है जिहदे नाल असी अपने अंदर जाके उस वाहिगुरु के दर्शन हर वेले कर सकते हैं। वो अखां होर हैं, ये बाहर दियां अखां तो सिर्फ लोगों को देखती हैं, मैटर की चीज़ा जड़िया बड़िया उन्होंने देखती हैं, मगर जिहड़ा साड़ा दसवां द्वार है दो अखां दे पिछे शिव नेत्र है, इत्थे उस गुरु का निवास है, वाहिगुरु का निवास है, साड़ी आत्मा भी उत्थे है, उत्थे ही नाम बसता है और उही साड़े अंदर है, उहदे हर वेले असी दर्शन कर सकते हैं। गुरु नानक साहब उस जमाने दे विच आए जदों लोग घर बार छड़ के परमार्थ वल जांदे सी। इह कहा जांदा सी कि जे वाहिगुरु नूं पाणा है तो घर छड़ना पवेगा, परिवार नूं छड़ना पवेगा। लेकिन कबीर साहब और गुरु नानक साहब जिन्हों फादर ऑफ द मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है संत मत दे विच, इन्होंने एक प्रमाण दिता कि असी इस ग्रस्थी दे विच रह के भी उस वाहेगुरु के अंदर लीन हो सकते हैं, एकमिक हो सकते हैं। इस दुनिया दे विच ही विचरदिया होया असी अपनी आत्मा का मिलाप उस परमात्मा नाल करा सकते हाँ। इनू पॉजिटिव मिस्टिज़म भी सतदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते सी। एक पॉजिटिव मिस्टिज़म है जिहड़ा गुरु नानक साहब ने सानू दस्या। कहिंदे एक वारी गुरु नानक साहब बाला ते मरदाना जा रहे सी, असी सब जानते हाँ कि इन्ना उन्होंने भुख प्यास गर्मी सर्दी की परवाह करते हो या किन्ने देशों के विच उन्होंने भ्रमण किया, सिर्फ रूहों ने ढूंढ ढूंढ के उस वाहिगुरु ने मिला दिता। कभी उन्होंने ये नहीं वेख्या कि ये पापी है या पुन्नी है, डाकू है चोर है ये लुटेरा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ उस वाहिगुरु मिलाण का देखा। एक बार एक पहाड़ से पहुंचे, उस पहाड़ के विच गुफा सी, उस गुफा के अंदर चले गए ते बाला मर्दाना पूछा लगे, महाराज असी इत्थे क्यों आया, इत्थे ते कुछ है ही नहीं, खाली है, नेरा है, गुफा बनी हुई है, ते तां गुरु नानक साहब ने फरमाया कि इत्थे एक बहुत वड्डा ऋषि इतिहास विच उन्हां दा नाम दत्ता देव दस्या जांदा है। वो ऋषि महान ऋषि जिहड़ा
ਤਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਪ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ, ਆਦੇਸ਼ ਹੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਲਿਵ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਸ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਗ੍ਰਸਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
एकमेक हो सकते हैं। कहते हैं कि जिहड़ी घर गृहस्थी है वह प्रधान भगती कही गई एक तरह की अवस्था है इंसान की, ग्रस्त जीवन जिहड़ा है वह प्रधान है, और स्त्री नूं ईमान कहा गया है और पुत्र नूं निशान किया गया है और दौलत नूं गुजरान किया गया है। ये सब चीज़ां इस दुनिया के विच विचरण वास्ते बहुत जरूरी हैं। यही जिहड़ा मैसेज है सानूं मिलिया है गुरु नानक साहब वालों, बड़े भागा वाले हैं कि अज असी ये 550 साल जिहड़ा साढ़े वास्ते एक माइलस्टोन है असी मना पा रहे हैं, उन्हां दी याद विच बैठ रहे हैं। मगर मुबारक ताइयों है जे उन्हां दे कहे ते अपनी जिंदगी नूं बिता लईए। जैसी जिंदगी उन्होंने सानूं दसी, यही गल उस ऋषि नूं समझाई कि तू जो तेरे अंदर ज्ञान है उसनों अपने तक ना रख, लोगों के विच वंड। धरती से जाके देख कितने लोग जल रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी हैं, उन्होंने नाम के नाल जोड़। लेकिन यही गुरबाणी फरमाते हैं कि नानक धूल मंगे उस गुरसिख की जो आप जपे अवरा नाम जपावे। पहले आप जपे, मेरे हाथ पले जे मैं किसी नूं 100 डॉलर देना चाहवां मैं तइयां दे सकना हाँ जे मेरे कोल 100 होंगे या एक्स्ट्रा होंगे। जे सिर्फ असीं गल कर लईए, असीं सुन लईए कीर्तन कथा सत्संग और अपनी जिंदगी वैसी ना बनाइए, तां फिर गुरु नानक साहब दा जिहड़ा आना जिहड़ा है वह सखारता नहीं होएगा। उन्हां दा आना उन्हां नूं भी खुशी होएगी, क्योंकि जदों उहदा शिष्य उहदी बाणी नूं लै के उहदे मैसेज नूं लै के दुनिया दे विच विचरदा है, दुनिया वास्ते एक एग्जाम्पल बन जाता है, तो अपने गुरु की खुशी पाता है। कहिंदे दुनिया दे विच सब तों वड्डा पुन जिहड़ा है वह किसी नूं वाहेगुरु नाल जोड़न दा पुन है, और अगर किसी का सब तो वड्डा पाप है अगर कोई इंसान उस परमात्मा वाहेगुरु नाल कोई इंसान नूं तोड़ देता है तो दुनिया का सब तो वड्डा पाप मनिया जाता है। तो जे असी अज उस वाहेगुरु की खुशी चाहते हैं, जे इस मुबारक मौके के उत्ते असी चाहते हैं कि गुरु नानक साहब साढ़े ते खुश हो जाए। देखिए जन्मदिन पर अक्सर गिफ्ट दिता जाता है, असी उस दाता नूं की दे सकने हाँ सवाए अपने गुनाहां दे गुलदस्ते दे अलावा, अपने सिर्फ गुनाह बख्शवा सकते हाँ, एक गुलदस्ता बना के उहदे चरणां दे विच रख सकते हाँ, और यही प्रार्थना कर सकते हैं हे वाहिगुरु अज ये जिहड़ा दिहाड़ा दिता है सानूं तुसीं, अज ये जिहड़ा दिन है साडे वास्ते, जदों भी असी इस दुनिया के विच चलीए तेरा नाम लैके चलीए, तेरा सिमरन करके चलीए, फिर ऐसी रूहां जिहड़ियां हन जिस दिन साडे दे दिल विच ये पुकार पैदा होएगी, दर्द पैदा होएगा उस वाहिगुरु नूं मिलण दा, फिर वो सतगुरु जिहड़ा है साडा रस्ता बना दिंदा है। सतगुरु आप पांव रखे उस वाहिगुरु नाल इकमिक करा दिंदा है, क्योंकि सतगुरु ऐसा जानिए जो सब को ले मिलाए जी, सारे नूं मिला के चलता है और उस वाहिगुरु नूं इकमिक करांदा है। और यही शब्द जिहड़ा असी अज तुहाडे अगे रख्या है कि जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, पिछड़िया मेरे प्रभु ओ दरगे का वसीत, क्योंकि वह दरगाह का वसीत वसीत जिहड़ा वकील नूं या एक विचोले नूं कहिंदे हन, जिहड़ा साडे जैसे पापिया के कर्मा नूं जिहड़ा कर्मा का साडा मुकदमा है उस परमात्मा नाल लड़दा है जाके,
क्योंकि जिस दिन असी उस गुरु नानक दे बन जाएंगे कहते धर्म राय जिन कागज फाड़े जिन नानक लेखा समझ। जिस दिन उस सतगुरु की कृपा हो जाती है साड़ी जिंदगी दे विच नाम नाल वो जोड़ देता है फिर साड़ा लेखा जोखा धर्म राय दे कोल नहीं रहता। असी उस वाहेगुरु के रस्ते पर चलते हाँ उस वाहेगुरु सानू अपने आप मिला देते हैं वो दरगे का विषय हर नामे मंत्र हर नामो मंत्र दिड़ाएगा कट्टे होमे रोग। वो करता की है एक सतगुरु की करता है वो जिहड़ा परमात्मा का सिमरन है नाम है जिहड़ा साडे अंदर वास करता है नौ नित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम जिहड़ा वो नाम साडे अंदर विचर रहा है साडा दसवां द्वार खोल दिंदा है। असी विछड़े हुए हैं लखां जन्म हो गए उस वाहेगुरु नाल विछड़े हैं अपने घर का चेता नहीं अपने घर की याद भी नहीं भुल गए विछड़े हैं मेरे प्रभु। और दरगे का विषय हर नामो मंत्र दिड़ाएगा कट्टे होमे रोग। अज साडे अंदर जिहड़ा सब तो वड्डा रोग है माफ करना वो होमे का है अहंकार का है वह जिहड़ा अहंकार है वो सब तो वड्डी दीवार है उस वाहेगुरु और साडे अंदर उस दीवार की दीवार को वो तोड़ देता है। लेकिन वो किस को मिलता है नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन्हें तुरा तुरे पिया संजोग। लेकिन उसी को मिलता है जिहदा कोई संजोग होता है कोई ऐसी रूह होती है जिहड़ी उस वाहेगुरु के घरों लिखवा के आती है सतगुरु के चरणों की तरीत का उसके नामदान लैण का। लेकिन असी अपने अंदर अरदास कर सकते हाँ जोतड़ी कर सकते हाँ एक छोटे जे बच्चे आकर मंग सकने हैं अपने पिता को एक बच्चा पिता को ही मंगेगा। आज जिहड़ा असी गुरपुरब मना रहे हाँ इहदे विच असी जन्मदिन ते ये प्रकाश दिहाड़ा है इस दिन पूरी दुनिया के विच उजाला होया सी ते इस दिहाड़े ते असी सिर्फ असी उन्हां कोल मंग सकने हाँ कि हे वाहिगुरु असी तदों मिलना है कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा मैं मिलना तनू है कोई वसीला बना कोई ऐसा कहते कि कोई ऐसा संत मिला दे जिस दिन साढ़े अंदर ये तड़प पैदा हो जाएगी उस दिन जरूर रस्ता खुल जाएगा। तो मुबारक है अज्ज का दिन असी उन्हां दी याद च बताइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। जो जोड़ी जी ने पहले गाया पंचम पिता का जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ। अब दूसरा शब्द ये भाई गुरदास जी की वारे है वारे कवित भी है सवैये भी है। भाई गुरदास से गुरु अर्जन देव साहिब जी ने रामसर के किनारे अमृतसर वहाँ 1621 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाना प्रारंभ किया। 30 महापुरुषों की बाणी 5 गुरुओं की बाणी 15 भगत उसके अलावा 4 संत दरवेश फकीर और 11 भट्टों की बाणी ये 30 हुए कुल मिलाकर। आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 31 महापुरुषों की बाणी है
ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਔਰ 57 ਸਲੋਕ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਔਰ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਗਾਓ ਸਭ ਗਾਓ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸੇ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਸੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸਿੰਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਸੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਟੂਵਰਡਸ ਮੱਕਾ ਐਂਡ ਮਦੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਗਿਆ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਹਜ ਕਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਖੂਬੀ ਦੇਖੋ, ਬਿਊਟੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਤਥਾਸਤੂ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੂੰਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਧ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇੜਾ ਪਕੜ ਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਤਰਫ ਆਤੇ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਅਗਰ ਹਮ ਦੇਖੇਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾਨਕ ਅੱਖਰ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਅਜਾਮਿਲ ਆਇਆ, ਗਨਕਾ ਆਈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਈ, ਨਾਮ ਆਇਆ, ਭਜਨ ਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਵਰਡ ਹਮੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗਾਓ। ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਲਵੰਡੀ ਕੇ ਅੰਦਰ 1469 ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਟਵਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਬਹਿਨ, ਹਾਂ ਉਨਕੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜੈਰਾਮ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਜਬ ਬਟਾਲੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਬ ਉਨਕਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋਤਾ ਤੋ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਔਰ ਬਾਬਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾਸ ਉਨਕਾ ਜਨਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ 70, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਅਗਰ 70 ਸਾਲ ਕੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਇੰਟੂ 4 ਪਾਰਟਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਈਲਡ ਐਟ ਤਲਵੰਡੀ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 17 ਸਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਦੀ ਇਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 13 ਸਾਲ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜ਼ ਏ ਟਰੈਵਲਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਗਲੋਬ 22 ਸਾਲ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਟਲਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਹਲ ਚਲਾਨੇ ਲਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕਰ ਯੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਟੋਟਲ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਉਨਕੀ ਆਵਰ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਰਪਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਮ ਵੀ ਆਏ, ਹਮ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਦ ਸਿੱਖ, ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਦ ਡਿਸਾਈਪਲ, ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਰਪਸ ਕਿਆ ਥਾ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਸਭ ਗਾਓ ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਭ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ।
ट्रेनर नहीं हूँ, हाँ मैं कोई एंटरटेनर भी नहीं हूँ, आपको एंटरटेनर करने के लिए नहीं आया, ना मैं पैसे इकट्ठे करने के लिए घर से चलता हूँ। मेरा पर्पस एज ए मिशनरी जस्ट टू कन्वे द मिशन, हाँ एक मिशन को लेकर मैं आता हूँ, और वो मिशन मेरे माता पिता ने क्या दिया, आप जपो अवरा नाम, दिस इज द मिशन। और याद रखना कल एतवार है, कीर्तन आप नहीं करोगे आज सारी रात मैं आपको बिठाए रखूंगा। हाँ रैन सभा कीर्तन वैसे मैंने देखा कम होते हैं विदेश के अंदर, कृपा करो। हाँ प्रभु ने कृपा की हमें सुंदर निर्मोलक देही प्राप्त हुई है, गुरु ने कृपा की हमको अपना शब्द दिया वाणी दी है, अब तीसरी कृपा हो तो हम अपने ऊपर करें, अपने ऊपर सबका प्यार के साथ मैसेज ऑफ वन गॉड। हाँ वह जो
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤਿਸ ਬਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਵਿਸ਼ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹਾਂ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਵ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਇੱਕ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਲੇਕਰ ਆਏ ਇੱਕ ਹਾਂ ਕਭੀ ਕਭੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋ ਹੋਤੇ ਨਾ ਤੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਤਾ ਭਾਈ ਅਬ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਬ ਈਸਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਬ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਗਾ ਹਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਸੇ ਨਿਕਾਲੂੰਗਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਸੇ ਸਨਾਤਨ ਕਾਲ ਸੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹਾਂ ਵਹ ਇੱਕ ਟਰੂ ਹੈ ਸੱਚ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ ਹਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਾ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਤਾਕਤ ਕਿਸਨੇ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਾਂ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਮਾਲ ਕਾ ਹੈ ਕੈਸਾ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੋ ਲੈ ਆਏ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੋ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਬਾਲਾ ਦੋਨੋ ਕੋ ਲੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆ ਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮ ਰਿਚੁਅਲਸ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕੋ ਅਗਰ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਹ ਹੈ ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਿਤਰੋਂ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀ ਹੈ ਹੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਾਏਗੀ ਚੋਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਨੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਮਤ ਨਾ ਰਸ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਪਿਤਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਚੋਰ ਬੈਠਾਏਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਾ ਮਾਲ ਖਾਇਆ ਹੈ ਅਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਸੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਓਨੈਸਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੱਚਾਈ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਕੋ ਨੰਗਾ ਕੀਆ ਸੈਦਪੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਕੋ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਂ ਖੂਨ ਹਮ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸਾਖੀਓ ਕੋ ਦੌੜਾਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕੋਟ ਹਮੇ ਕੰਠ ਹੈ ਕੰਠਸਥ ਹੈ ਸਾਖੀਆਂ ਕੰਠਸਥ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕੰਠਸਥ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਮ ਬਾਣੀ ਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ
सुख क्यों नहीं है, परिवार भी है सुख नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आज बंदा why he is mentally disturbed, क्या कारण है, क्या वजह है आज का बंदा डिस्टर्ब है, अशांत है, अशांत संगत में बैठता है मन भटकता है, पाठ करते रचना पाठ करती है लेकिन मन नहीं पाठ करता, यही कारण है कोऑर्डिनेशन ऑफ द माइंड एंड द टंग, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, वो बंदा कच्चा है, जिसके मन में कुछ है रचना पर कुछ और है, केवल मैसेज से जुड़ना है, हाँ गुरु नानक के पैगाम से जुड़ना है, पैगाम से, क्या तो गुरु नानक का पैगाम है, गुरु नानक का ये 550वां प्रकाश उत्सव क्या कारण है, सारे दुनिया के अंदर सब कंट्रीज के अंदर सब जगह, हाँ करतारपुर कॉरिडोर आप देखो पाकिस्तान के अंदर देखो, जाकर देखो क्या कुछ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मुझे आया, हाँ बहुत आई चीजें, कनाडा से आई, वर्ल्ड वाइज कंट्रीज ने वहां सेलिब्रेट किया है गुरु नानक, लेकिन गुरु नानक का पैगाम क्या है, संदेश क्या है, गुरु नानक किस संदेश को लेकर आए थे, इक्वालिटी कह दिया कि भाई बिना अमला दोनों रोग है, बिना अमला काजी आख है, पूछते हैं काजी पूछता है कि मुसलमान वड़ा है या हिंदू वड़ा है, पूछते हैं, लेकिन जवाब क्या दिया कि मेरी नजर में, भाई गुरदास जी कहते हैं मेरी नजर में जिनके कर्म शुभ नहीं उनको रोना पड़ेगा, वो रोते हैं, मैसेज ऑफ प्योरिटी, पवित्रता, द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर इज गुरु नानक, उसका पैगाम भी पवित्र है, पावन है, उज्जल है, गुरु नानक स्वयं उज्जल है, पवित्र है, अंदर कपट नहीं है, अंदर फरेब नहीं है, अंदर नफरत नहीं है, अंदर वितकरा नहीं है, अंदर द्वंद नहीं है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी, ना को बैरी नहीं बिकाना, अगर हम इस तुक को अगर प्रैक्टिकली अपने व्यवहार में ले आए तो फिर देखो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पावन पवित्र, हम जिस स्थान पर बैठे हैं, संत बाबा सावन सिंह जी, मैंने दर्शन नहीं किए लेकिन संत कृपाल सिंह जी के हम खूब दर्शन करते थे, खूब, एक कमाल की ये पर्सनालिटी थी, कमाल की, आप उनकी लिखी जपजी साहब का टीका पढ़ कर देखो, जपजी साहब का टीका संत कृपाल सिंह जी ने किया है, पढ़ कर देखो, आप संत दर्शन सिंह जी, हमने खूब दर्शन किए, खूब हमने उनकी गजलें खूब सुनते थे, और आज कल संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, खूब मैं नजदीक से उनके चरणों में बैठकर उनको सुनता हूं और उनके जीवन को देखता हूं, कितना पावन पवित्र जीवन, कितनी सेवा, हाँ कितनी सेवा, कितनों को जोड़ रहे हैं, कहां कहां चले जाते हैं, क्या है इन महापुरुषों के पास, ऐसी कौन सी वस्तु अमोलक है जो जोड़ते हैं, क्योंकि जुड़े हुए हैं, स्वयं जुड़े हुए हैं, जोड़ रहे हैं, कोई भी आ जावे, इस स्थान की ये खूबी है, कोई भी आ जावे, या मैंने मुसलमान भी देखे हैं, या मैंने लोकल बंदे भी देखे अमेरिकन, यहाँ पर सिख भाई भी देखे हैं, हिंदू भाई भी देखे हैं, यहाँ मैंने अनेक कम्युनिटीज को देखा है, ये वो स्थान है, हाँ
जहाँ इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी की बात। और मैं बेनती करता रहता हूँ सबको, भाई ऐसे ऐसे स्थानों पर जाओ, इंस्पायरेशन मिलेगी, इंस्पायरेशन। किसी संत के पास, किसी फकीर के पास निकल जाओ। कांखी एक दरस तुहारो, नानकौन संग मोहे उधार। आकांक्षी गुरु अर्जन देव साहब जी ने विचार रखा है सुखमणि साहब में, मुझे उसका दर्शन करवा। कांखी, कांखी अभिलाषी, अब उसे संत को या स्वागिन को, गुरुमुख को, साधु को, हाँ ब्रह्मज्ञानी को, कुछ भी को, तो पहली पातशाही का 550वां वर्ष जन्मदिन, मैंने कल चले जाना है। जब मैंने लैंड किया पहली अक्टूबर को, मुझे याद है तब भी मैंने यहाँ कीर्तन किया था, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन सेंटर, यहाँ कीर्तन किया, ताकत ली, शक्ति ली। 20 शहरों से 2 महीने में कीर्तन करके अब मैं वापस आया हूँ। कल मैंने फिर दिल्ली चले जाना है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा कि गुरु नानक के पैगाम से जुड़ जा। कोई भी पैगाम उठा लो, कोई भी, केवल गुरु नानक का 550वां साल मनाना नहीं है, गुरु नानक को मानना भी है। केवल मनाना नहीं है, मनाने से क्या होता है। कितनी बार हमने गुरु नानक का जन्म मनाया होगा, 500 साल हमने गुरु नानक का जन्म, मैंने नानकाना साहब में मनाया था, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। जब तक गुरु नानक को माने, गुरु नानक की बाणी को, गुरु नानक के उपदेश को, गुरु नानक के पैगाम को हम माने, हे सतगुरु जो आप कह रहे हो ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, आप ठीक हो, फिर देखो जीवन कैसे बदल जाएगा, व्यवहार बदलेगा, दृष्टि बदलेगी। माफ करना, मैंने भी खूब कीर्तन किया है, 80 साल से मैं कीर्तन कर रहा हूँ, 81 साल मेरी उम्र है। मैं तो कहूँगा माता के गर्भ में थे तब से हम कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ कीर्तन करती थी, तब से कीर्तन कर रही है। लेकिन कभी कभी मन में ख्याल उठता है भाई तीसरी आंख, थर्ड आय, वो तो प्राप्ति नहीं होती, मैं तो एक रागी बन गया हूँ, गाता ही रहता हूँ, कोई पाठी बना बैठा है, कोई तीर्थवासी, कोई दानी, लेकिन गुरुमुख बनना है, गुरुमुख ब्रह्मज्ञानी बनना है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्मज्ञानी। हमने तो ब्रह्मज्ञानी बनना है, जहां देखूं सब गोविंद है, जहां नजर पड़े जय जय पेखो तय नारायण, जहां देखू नारायण मुझे दिखाई पड़े, ये ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। सब गाओ जी, कल जुग बापे तालिया।
असकरीवा मेन बानिया है बारामात तुखारी मेन बानिया दखरी ओंकार सिद्ध गोष्ठ तिथि तिथि सोलह है कमाल की बानी है तीन वारे हैं माज मलार आशा ये तीन वारे ली है 976 शब्द और श्लोक बाबा नानक के गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है 976 और करीबन देखा जाए तो ये 19 रागों में 31 रागों में से 19 रागों में बाबा नानक की वाणी है। मैं समाप्ति करूं उससे पहले हम जो तीन जने स्टेज पे बैठे हैं तबले वाले मैं और जोरी जी हम तीनों पहले गाएंगे कल तारण गुरु नानक आया फिर ये जो हाफ है ना वो आप गाना पहले हाँ उसके बाद वो गाएंगे मैं देखूं तो सही मैंने फिर परसों दिल्ली में जाके कीर्तन करना है मैं दिल्ली में बताऊंगा मैंने ये देखा हाँ मैंने ये देखा मैं अपना अनुभव वहां जाके रखता हूँ तो कृपा करना हम तीनों पहले गावे और कीर्तन के समय एक तो आंख बंद रखेंगे तो हम कई चीजों से बचे रहेंगे अगर कीर्तन के अंदर हम ध्यान से बैठेंगे ध्यान से फिर देखो प्राप्ति क्या होती है प्राप्ति बिल्कुल ध्यान के साथ और सबसे बड़ी बात क्या है भूल जाना है कि मैं कौन हूं ये भी भूल जाना है मैं कौन हूं मेरे पास क्या है हाँ कितना है सब कुछ भूलना है जहां हम जूते रखकर आते हैं ना वहां अगर हम अपने आप को रखकर आ जावे और खाली आ जावे तो गुरु नानक वह पर्सनैलिटी हमको भरकर भेज देगा हमको भरेगा आज हम भूलते ही नहीं है अपने आप को माफ करना भूलते ही नहीं है आज हम अपने आप को खाली करते ही नहीं है हाँ कपड़े ऐड करते जाते हैं हर साल कपड़े ऐड हो रहे हैं कितने ही कपड़े हम निकालते हैं अलमारियों से कभी हमने पूछा है अपने आप से कितना हम धन दौलत बैंक बैलेंसेस बढ़ाते जा रहे हैं हम कितना दसवंत निकालते हैं धर्मार्थ हम कितना देते हैं ऐड करने में क्या जाता है साथ साथ निकालना है निकालना है निकालना है अगर हम अपना नॉलेज है ज्ञान है बांटना है बांटना है कीर्तन है बांटो जो कुछ कुदरत ने दिया है कुदरत ने हम कुछ भी नहीं लेकर आए थे नंगे नंगे चले जाएंगे कुछ भी नहीं ले आए थे जो कुछ हमें कृपा हुई है जय प्रसाद अलोक कंचन दे ही लिव लाव तिस राम सने सब का सो क्यों मिसले जिन सब कुछ प्यार से पहले हम तीन गाए आप गाओ फिर कीर्तन की समाप्ति कल तारण सीखूं मैं किसको बिलोंग करता हूं हाँ मेरा गुरु कौन है हमको तब शर्म आनी चाहिए सत्संग के अंदर कीर्तन के अंदर मैं भी कीर्तन नहीं करूंगा तो कौन कीर्तन करेगा कभी आपने सोचा है कौन करेगा अगर पिता माता कीर्तन नहीं करेंगे तो बच्चे का क्या कसूर है वो कैसे करेंगे पहले फिर भी हम तीन गाए सबने गाना है जो कोई सोच रहे हैं मैं गाऊं या न गाऊं अभी कई सोचते हैं ना मैं तो पैसे लेकर कीर्तन करवाऊंगा मैं क्यों गाऊं हाँ मैं तो पैसे देकर पाठ रखाऊंगा मैं क्यों पाठ करूंगा हमारी ये अब एक सोच बन गई है ना सेवा भी गुरु की मैं नहीं करूंगा करवाऊंगा
पैसे ले जाना, पाठ भी रखवाऊंगा, हाँ मैं नहीं पाठ पढ़ूंगा, कीर्तन भी मैं करवाऊंगा, अरदास भी हम करवाते, दुख की बात यह है अरदास भी हम करवाते, खुद नहीं अरदास करवा, कृपा करो। माता ने एक सेवा बख्शी हुई है, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुरु का मन मन्ने, मन मन्ने सतगुरु का, संगत खुश होई फर्क नहीं पड़ता, संगत ने बहुत कुछ तोहफे दिए कॉम्प्लीमेंट दिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात है गुरु का मन राजी हो, मन मन्ने इट इज एन idiom, idiomatic वर्ड है, मन मन्ने, गुरु का मन राजी हो जाए संतुष्ट हो जाए, और जिस पर गुरु का मन राजी होता है ना तो फिर गुरु नानक क्या करते हैं भाई लहरे को अपना अंग बना देते हैं, अंगद नाम रख दिया, यू आर नाउ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बॉडी, अंगद उसे कहते हैं, अंगद उसे कहते हैं गुरु अंगद, सेकेंड गुरु, गुरु अंगद, गुरु नानक वह समर्थ गुरु है, समर्थ गुरु है, गुरु नानक वह एक पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है, केवल गुरु के ग्रह, गुरु के ग्रह सेवक जो है गुरु की आज्ञा मन, सिर्फ गुरु की आज्ञा मानना है, केवल बच्चा मेरा केवल मत्था टेके दिल में 10 बार लेकिन जो मैं उसको कहूँ कया मेरा न माने तो वो पिता थोड़ी राजी होगा मत्थे टेकने से, कदाचित नहीं, अगर गुरु पृथक है तो गुरु भी तख्ता होगा ना, भाई ये क्या मखौल करके हाँ मुझे खिलौना समझा है, दुख आते दौड़ते हैं कुछ चाहिए मेरे पास आते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूँ भाई ये तू अमृत वेले उठ, हाँ तू अमृत वेले उठ, तू थोड़ा सा सात्विक भोजन खा, शुद्ध भोजन खा, तू वही भोजन खा जो तू अपने गुरु को भोग लगाता है, हाँ वही तू भोजन बना, अन पानी थोड़ा खाया खंडित निंद्रा अल्प आहारं, अन पानी थोड़ा खाया, बाबा नानक ने आशा की वाल में विचार रखना, अगर हेल्थ चाहिए, हाँ मैं तो साफ कहूँगा अगर सेहत चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि वी आर फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली फिट हो तो बुनियाद पहले क्या है, कंट्रोल करो अपने भोजन पर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने खूब यहाँ देखा है, हाँ कोई सामने चीज आ जावे टेबल पे अपने आप को रोक नहीं पाती, मैं खूब देखता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ, शरीर में हाँ घुटनों में भी दर्द हो गया है, चल भी नहीं सक रहे हैं, लेकिन जुबान का जो रस है ना वो ठीक नहीं होता है, इंद्रियों का रस अच्छा नहीं होता है, कोशिश करो, कोशिश तुच्छ सात्विक सादा सा भोजन, सादा वही भोजन हमने खाना है जो
गुरु नानक को किसने कराया? मलिक ये अपना भाई लालू ने, या माता गंगा ने भोजन खिलाया था बाबा बुड्ढा को? वो भोजन सादा सात्विक, थोड़ा सा भोजन। लोग क्या कहेंगे? डोंट गिव एनी इम्पोर्टेंस, कोई भी कीमत मत देना ना रिश्तेदारों को। आज जब मैं अपनी बेटी की शादी करवा रहा था, आज से करीबन 43 साल पहले जब मैं अपनी बेटी जयश्री की शादी करवा रहा था, तो मैंने बच्चों को बुलाया। हाँ, मैंने उनको कहा कि मैं कार्ड के साथ एक भी मिठाई का डब्बा नहीं बांटूंगा। हाँ, मैंने उनको कहा एक भी डब्बा मिठाई का नहीं बांटूंगा। तो मेरी बेटी ने कहा, तो पापा फिर क्या बांटोगे? मैं कहा मैं सुखमणि बांटूंगा कार्ड के साथ, सुखमणि आशा की बार बांटूंगा। हाँ, ये क्या हम चीजें बांटते रहते हैं? गुरु की वाणी को हम कब बांटेंगे? कब बांटेंगे? घर के अंदर शादियां होती है, घर के अंदर एनिवर्सरीज होती है, ऐसे ही तो हम अपने गुरु का पैगाम देंगे ना। गुरु कृपा करे आप हमारे ऊपर, मेरे लिए अरदास, परिवार के लिए। और आखिर के अंदर मैं कह दूं, जब भी आप हिंदुस्तान जाओ ना, इफ यू गो बाय कटार एयरवेज, तो आप वहां ब्रेक जल्दी दोहा में करना। मेरा बेटा आजकल वहां एज ए कैप्टन इन कटार एयरवेज है, आप उनके पास रहना, वो लेने आएंगे, आपको सी ऑफ करेंगे। और मैंने उनको कह दिया अपनी डॉटर ला को, जो भी आएगा तेरे घर में, और रिटर्न गिफ्ट जरूर देना उनको, वो भी मैंने उसको आगाह कर दिया है। कृपा करना बच्चे को ये संस्कार मिले, सेवा करें। और बेटी मेरी सोलन में है, मेरे घर बहुत है, जहाँ भी चले जाता हूँ केवल सूचना देना, दिल्ली में कोई भी काम हो मेरे पास आके रहो। गुरु की कृपा से बहुत भारी मकान मेरे पास है, कमी नहीं है, बस एक ही चीज़ कमी है, शेख फरीद खैर दीज बंद। वाहेगुरु जी का खालसा। Where is Surya?